नागपुर महानगर पालिका के अग्निशमन विभाग में कर्मचारियों की संख्या कम होने से दमकल विभाग के कामकाजों पर इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। आइए डालते हैं हमारे संवाददाता संजय मिरे की खास रिपोर्ट में। भारत की जनसंख्या 1,30,00,000 बताई जा रही है, तो वहीं 2011 के जनगणना के अनुसार नागपुर शहर की जनसंख्या तकरीबन 24,95,000 बताई गई है। नागपुर शहर चारों ओर से बढ़ रहा है, तो वहीं शहर के अंदर नई नई ऊंची इमारतों का निर्माण भी हो रहा है। ऐसे में अवैध व्यापार एवं उद्योग भी करने वालों की संख्या कम नहीं है, जिसके चलते आग का खतरा बढ़ते ही जा रहा है। ऐसे में मनपा का दमकल विभाग अच्छा काम भी कर रहा है, लेकिन अफसोस कि आए दिन आग की घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है। नागपुर मनपा दमकल विभाग में कुल 872 अधिकारी कर्मचारियों की संख्या है, किंतु इसमें से सिर्फ 205 ही अधिकारी कर्मचारी कार्यरत है, जबकि 667 पदों को खाली पड़े हैं। कोई भी भर्ती अब तक नहीं हुई है। शहर में 9 अग्निशमन केंद्र फायर स्टेशन कार्यरत है। 9 अग्निशमन केंद्र 3 शिफ्ट में 24 घंटा काम करते हैं। इस हिसाब से एक शिफ्ट में 1 या 2 ही फायरमैन उपलब्ध रहते हैं। मनपा प्रशासन के तहत फायरमैन की भर्ती की जाती है। सन 2012 में मनपा प्रशासन की ओर से दमकल विभाग में 21 लोगों की भर्ती की गई थी। उसके पहले 2004 में 40 फायरमैन की भर्ती की गई थी। जुलाई 2019 में दमकल विभाग के लिए कुल 56 दमकल वाहन चालक की भर्ती जरूर कराई गई है, लेकिन फायरमैन के काफी पद खाली अभी भी पड़े हुए हैं, जिससे कर्मचारियों की संख्या कम है। कम संख्या होने की वजह से शहर में अधिकतर होने वाली घटना में कर्मचारी कम संख्या होने की वजह से पहुंच नहीं पाते, जिससे घटनास्थली परिसर का और नागरिकों का काफी नुकसान होता है। इस बारे में पूछे जाने पर दमकल विभाग के अधिकारी राजेंद्र उचके इन्होंने कहा कि मनपा सभागृह के सामने में पिछले 3 माह पहले 100 फायरमैन भर्ती का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन निर्णय होना अभी भी बाकी है। सभागृह में इलेक्टेड मेंबर्स द्वारा इस पर निर्णय लिया जाएगा। जल्द से जल्द इस 100 फायरमैन भर्ती के प्रस्ताव पर सकारात्मक अमल होना आवश्यक है। कर्मचारियों की संख्या कम होने से काफी तनाव बाकी कर्मचारियों पर आ रहा है। कम संख्या होने से और बहुत ज्यादा कामकाज होने से इसमें सही तालमेल बिठाना कठिन हो रहा है। फायरमैन रिक्रूटमेंट रूल्स के नियमों में बदलाव के लिए महाराष्ट्र शासन के पास प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने तक पुराने नियमों से ही फायरमैन भर्ती का प्रस्ताव सभागृह के सामने रखा है। मैन पावर मिलने से विभाग के कार्य प्रणाली में सुधार होगा, जिससे अधिकारी और कर्मचारियों में उत्साह भी बढ़ेगा। ऐसी जानकारी इस समय में दमकल विभाग के अधिकारी राजेंद्र उचके इन्होंने इनविजन समक्ष दी है। बाइट राजेंद्र उचके, दमकल अधिकारी। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि दमकल विभाग में बड़ी संख्या में फायरमैन होना बेहद जरूरी है। पिछले 8 वर्षों से अभी तक एक भी फायरमैन की खाली पड़े पदों को भरा नहीं गया है। दमकल विभाग में फायरमैन संख्या काफी कम होने से और नागपुर शहर का क्षेत्रफल का दायरा बढ़ जाने से दमकल विभाग को और शहर के नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये बात सच है कि हर महीने कर्मचारी अधिकारी रिटायर्ड हो रहे हैं और हमारी जो कुल संख्या है वो कम हो रही है, उसका हमारे कामकाज के ऊपर भी थोड़ा सा असर पड़ रहा है। लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से इसको जो फुलफिलमेंट है वो करने के लिए कटिबद्ध है, और इसकी हम लोगों ने अभी 56 ड्राइवर की भी भर्ती की है, एक स्टेशन ऑफिसर भी हम लोगों ने रिक्रूट किया है और एक इलेक्ट्रीशियन और फिटर्स भी 4 रिक्रूट किए हैं। अभी सिर्फ जो फायरमैन भर्ती का इशू है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास हम लोगों ने नियमों में कुछ बदलाव के लिए वो प्रस्ताव भेजा था, जिसपे अभी तक के हम लोगों को वहाँ से कोई अप्रूवल आया नहीं है। उसके लिए फायरमैन की जो भर्ती है इसमें थोड़ा सा हम लोगों को जो है देरी हुई है। दमकल विभाग के चीफ ऑफिसर से लेकर तो इलेक्ट्रिशियन से लेकर फायरमैन जो है ये इनके 872 की संख्या बताई गई है। इस प्रकार के ये 872 पद जो है ये दमकल विभाग में हो गए ऐसा बताया गया है पेपर के ऊपर में, लेकिन वास्तविकता ये है कि यहाँ पे मात्र 205 कर्मचारी टॉप से लेकर बॉटम तक, कहने का मतलब है कि दमकल विभाग के अधिकारी से लेके तो चपरासी तक, इलेक्ट्रिशियन तक, फायरमैन तक, ये सिर्फ और सिर्फ 205 है, जबकि 600
462 ऐसे पदों को अभी भी नहीं भरा गया है, जिसके चलते एक बहुत बड़ी गैप दमकल विभाग में दिखाई देती है, जिसके चलते नागपुर शहर का दायरा बढ़ रहा है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है, घटनाएं रोज रोजाना हो रही है। ऐसे में जो दमकल विभाग के जो कर्मचारी है उनकी संख्या कम है और कम संख्या होने से बहुत बड़ा नुकसान आज इस शहर का, इस शहर के नागरिकों का और साथ साथ दमकल विभाग का, मनपा प्रशासन का हो रहा है। इस ओर राज्य सरकार ध्यान दे, मनपा प्रशासन ध्यान दे और जल्द से जल्द जो जो पदों को अभी तक नहीं भरा गया है, 662 पद कुछ कम नहीं होते, इनकी संख्या बड़ी बड़ी होते जा रही है, इनको इनके पद भर्ती होना चाहिए और दमकल विभाग को पूरी ताकत के साथ फिर से एक बार खड़ा करने के लिए मदद करे, तब कहीं नागपुर शहर में कोई भी अगर आग लगी या आगजनी हुई या कोई भी ऐसी घटना हुई है तो उस समय में ये जो जवान जो होते हैं फायर ब्रिगेड के, ये दमकल विभाग के जो कर्मचारी होते हैं पूरे मुस्तैद के साथ काम काज करते हुए नजर आएंगे, बशर्ते सरकार ने इस ओर ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों की संख्या दमकल विभाग में बढ़ना चाहिए, यही शहर की जनता की भी मांग है। दमकल विभाग से कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मिरे, NBC News नागपुर।